नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिलाषा पाठक। जिंदगी की डोर इंसान के हाथ से कब छूट जाए ये कोई नहीं जानता। आप कितने ही स्वस्थ हों या सुरक्षित हों, अगर मौत आनी है तो एक पल में, एक क्षण में जान जा सकती है। जिस तरह इथोपियन एयरलाइंस का बोइंग 737 MAX 8 रविवार सुबह उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। दुनिया भर के लोग इस घटना से आहत हैं। बोइंग का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, अगर उसकी बात करें तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला आरामदायक और सुरक्षित विमान माना जाता है। दुनिया भर की विमानन कंपनियां यात्री विमान या मालवाहक विमान के लिए बोइंग कंपनी पर सबसे ज़्यादा यकीन करती है, लेकिन एक मानवीय भूल कहें या तकनीकी में खामी, इस घटना के बाद बोइंग के सुरक्षा मानकों पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या किसी भी विपरीत स्थिति के लिए पायलट को उचित प्रशिक्षण दिया जाता है, या पायलट प्लेन के हर तकनीक को बारीकी से जानते समझते हैं? इस तरह के हादसे का 5 महीने में यह दूसरा मौका है जब बोइंग के इसी मॉडल का विमान क्रैश हुआ हो, इसलिए ये सवाल वाजिब है। तो आज का विशेष बढ़ते विमान हादसों पर आज बात करेंगे इथोपिया में हुए दर्दनाक हादसे की। दुनिया के विमानन कंपनियों और भारत में DGCA ने क्या निर्देश दिए हैं, क्या है बोइंग मैक्स और क्या है इसकी खासियत, और बताएंगे देश और दुनिया के प्लेन क्रैश के इतिहास के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। महीने से भी कम वक्त में दो बोइंग 737 मैक्स विमान क्रैश हो चुके हैं। ताजा मामला 10 मार्च का है। इथोपिया के अदिसा अबाबा में बोइंग का 737 मैक्स 8 विमान उड़ान भरने के 6 मिनट के भीतर ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसमें सवार सभी 157 लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में विमानों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। भारत ने भी यहां परिचालित बोइंग 737 मैक्स विमानों की सुरक्षा जांच करने का आदेश दिया है। बोइंग विमान की सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल रविवार की सुबह यानी 10 मार्च को इथियोपिया के अदीस अबाबा में बोइंग का 737 मैक्स 8 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें विमान में सवार चालक दल के 8 सदस्यों समेत सभी 157 लोगों की मौत हो गई। ये विमान इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से केन्या की राजधानी नैरोबी जा रहा था। विमान अदीस अबाबा से करीब 60 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में क्रैश हुआ। विमान ने 10 मार्च को सुबह 8:38 पर उड़ान भरी थी, जिसके 6 मिनट बाद ही कंट्रोल रूम से उसका संपर्क टूट गया। जहाज जो है अदिस अबाबा से टेक ऑफ करा और कुछ ही मिनटों में वो जहाज क्रैश कर गया। क्रैश करने से पहले पायलट ने कंट्रोल टावर से कहा कि मेरे जहाज में कुछ प्रॉब्लम है, मैं वापस लैंड करना चाहता हूँ। और जब वो उसने परमिशन भी उसे मिल गई थी, जैसे उसने कोशिश करी तो उसको जहाज एकदम जो है पहले वो थोड़ा ऊपर हुआ और उसके बाद एकदम नीचे ब्रिक की तरह नीचे गिरा है। ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं उसे हम। 35 देशों के नागरिक विमान में सवार थे। इस हादसे में मरने वालों में केन्या के 32 लोग, कनाडा के 18, इथियोपिया के 9 लोग थे। इटली, चीन और अमेरिका से 8-8 लोग थे। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस से 7-7 लोग, मिस्र से 6 लोग और जर्मनी से 5 लोग थे। वहीं इस हादसे में 4 भारतीय नागरिकों की भी मौत हो गई। इनकी पहचान पन्नागेश वैद्य, उनकी पत्नी हंसिनी पन्नागेश वैद्य, नुकुवरप मनीषा और शिखा गर्ग के रूप में हुई। शिखा गर्ग भारतीय पर्यावरण मंत्रालय से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सलाहकार थी। वे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बैठक में हिस्सा लेने नैरोबी जा रही थी। पन्नागेश वैद्य के परिवार के 4 और लोगों की इस हादसे में जान चली गई, जिसमें उनकी बेटी का परिवार भी शामिल है। ये चारों भारतीय मूल के कनाडा के नागरिक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हादसे पर दुख जताया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इथियोपिया में भारतीय उच्चायुक्त को पीड़ित परिवारों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए। 5 महीने से कम समय में ही बोइंग 737 मैक्स का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे पहले 29 अक्टूबर 2018 को इंडोनेशिया के लायन एयर का बोइंग 737 मैक्स जावा सी में क्रैश हो गया था। उस हादसे में 189 लोगों की जान चली गई थी। पहले इंडोनेशिया और अब इथियोपिया में
बोइंग 737 मैक्स विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से इस विमान के सुरक्षा मानकों पर पूरी दुनिया में सवाल उठने लगे हैं। भारत ने भी इस हादसे को काफी गंभीरता से लिया है। नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सबसे पहली चिंता है। इसी के मद्देनजर भारत में परिचालित बोइंग 737 मैक्स विमानों की सुरक्षा जांच की जाएगी। नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA को घरेलू विमानन कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे बोइंग 737 मैक्स विमानों की सुरक्षा जांच करने के लिए कहा गया है। नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि DGCA विस्तृत रूप से तकनीकी मूल्यांकन कर रहा है और दुनिया भर के सुरक्षा नियामकों के साथ बातचीत कर रहा है। इसको स्टॉल मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे मैंने पहले कहा था, वो मनोवरिंग, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम, इसकी खराबी से क्या होता है कि पायलट कंफ्यूज होता है। इसमें एक और एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर VSI, वो VSI की फ्लक्चुएशन बहुत दिखी है, तो पायलट को दिखता नहीं है कि वो क्लाइम कर रहा है कि डिसेंड कर रहा है, नीचे उतरता है कि ऊपर जा रहा है, वो कंफ्यूजन की वजह से। इसीलिए दोनों बार उन्होंने कहे कि मुझे आने दीजिए। इस बीच नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने बोइंग 737 मैक्स विमानों के परिचालन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। DGCA ने कहा है कि भारतीय एयरलाइंस के वही पायलट 737 मैक्स 8 विमान उड़ा पाएंगे जिनके पास कम से कम 1000 घंटे का हवाई जहाज उड़ाने का अनुभव होगा। वहीं सह पायलट के पास 500 घंटे की उड़ान का अनुभव होना चाहिए। भारत में जेट एयरवेज और स्पाइस जेट जैसी विमानन कंपनियां इन विमानों का परिचालन कर रही हैं। इसी बीच जेट एयरवेज ने बोइंग मैक्स 8 विमान की उड़ानें रोक दी हैं। आपको डबल चेक करने हैं, मतलब जब ये उड़ान भरेगा इन सिस्टम्स को, जिसमें MCAS है, जिसमें स्टॉल मैनेजमेंट सिस्टम है, इन पे ज़्यादा जानकारी देखनी है और ज़्यादा निगरानी रखनी है। इसके लिए स्पेशल टेक्नीशियंस आपको नॉमिनेट करने, और दोनों जब भी फ्लाइट भरेगा इसको चेक करना है हर दिन। तीसरा, इस पर जो पायलट कर उड़ान भरेंगे और को पायलट, उनको पायलट के 1000 घंटे होने चाहिए, को पायलट के 500 घंटे होने चाहिए। भारत में जेट एयरवेज ने मैक्स कैटेगरी के बोइंग की 225 विमानों का ऑर्डर दिया है। इनमें से कुछ की डिलीवरी हो चुकी है। जेट एयरवेज के बेड़े में अभी ऐसे 5 विमान हैं। स्पाइस जेट ने भी 155 मैक्स 8 विमानों समेत 205 बोइंग प्लेन का ऑर्डर किया है। स्पाइस जेट के पास अभी 13 मैक्स 8 विमान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बोइंग विमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने खड़े हो गए हैं और कई देशों ने फिलहाल बोइंग 737 मैक्स विमानों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने भी साफ किया है कि जरूरत पड़ने पर बोइंग कंपनी पर तत्काल कार्रवाई की जा सकती है। पांच महीने से भी कम वक्त में दो विमान हादसे के बाद बोइंग 737 मैक्स विमानों का उपयोग करने वाले दुनिया के तमाम एयरलाइंस पर भारी दबाव है। इथियोपिया एयरलाइंस के विमान हादसे के बाद बोइंग 737 मैक्स विमानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। इस हादसे की जांच जारी है। इथियोपिया के साथ ही अमेरिका और दूसरे देशों के एविएशन एक्सपर्ट जाँच में जुटे हैं। दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स को कुछ नुकसान भी पहुँचा है। इस वजह से फिलहाल ये बताना मुश्किल है कि उससे काम की क्या जानकारी मिल सकती है। इसमें बहुत सारे सेफ्टी के सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे पहला विषय तो ये है कि वो जो इस तरह का ही पहला क्रैश नहीं है। इससे पहले इंडोनेशिया की एक एयरलाइन से लॉयन एयर, उसमें भी कुछ मिलता जुलता ही तरीके से क्रैश हुआ था, जिसमें भी 150 से ऊपर यात्री जो है वो उस हादसे के शिकार हो गए थे। इथियोपिया विमान हादसे के बाद दुनिया के कई देशों ने बोइंग विमानों को सतर्कता बरतने का फैसला किया है। कई देशों ने इसके उड़ान पर रोक लगा दी है। भारत ने ऐसे विमान के उड़ान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। भारतीय नियामक DGCA ने बोइंग कंपनी से मैक्स विमानों के बारे में कुछ नई सूचनाएं मांगी है। वहीं सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया ने देश के हवाई क्षेत्र में बोइंग 737 मैक्स विमान के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। चीन, इंडोनेशिया और इथियोपिया ने पहले ही अपनी सभी घरेलू विमानन कंपनियों से बोइंग 737 मैक्स के 8 विमानों के परिचालन को रोकने के लिए कह दिया था।
चीन के सरकारी और निजी एयरलाइंस के पास 97 बोइंग 737 मैक्स 8 विमान हैं। इथियोपिया ने 4 ऐसे विमानों को खड़ा कर दिया है। इंडोनेशिया ने ऐसे 11 विमान और कैरेबियाई एयरलाइंस कैमन एयरवेज ने भी अपने यहाँ बोइंग विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी है। ब्राजील एयरलाइंस ने भी ऐसे विमानों की उड़ान को रोक दिया है। सबसे पहले तो जो मेजर कंट्रीज हैं उनमें उन्होंने उस जहाज को ग्राउंड कर दिया है। 18 देशों ने जहाज को ग्राउंड कर दिया है, क्योंकि जो इस इन दुर्घटनाओं से पहले भी जो पायलट्स हैं उन्होंने इसके जो कंट्रोल मैकेनिज्म है उसकी माल फंक्शनिंग की शिकायत करी थी। और उससे पहले एक दूसरी समस्या भी थी कि बोइंग ने कहा था कि ये जहाज इस पे जो 787 और 800 के पायलट्स हैं उनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, पर इसके पायलट्स ने देखा कि उनको कुछ एडिशनल ट्रेनिंग चाहिए जिसका वो प्रोविज़न नहीं करा गया था। तो लाइन एयर क्रैश के बाद कुछ वो बोइंग ने उस पर एडवाइजरी शुरू करी थी। बोइंग के मैक्स विमानों के बारे में कहा जाता है कि उनकी कंप्यूटर प्रणाली में खामी है जो यदा कदा पायलट को झूठा सिग्नल देकर गलत कमांड के लिए विवश करती है। हालांकि बोइंग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके विमान में किसी तरह की गड़बड़ी है। अमेरिका ने भी हादसे पर सख्त रुख अपनाया है। अमेरिका का विमानन क्षेत्र नियामक बोइंग को उसके 737 मैक्स 8 में सुधार करने के आदेश देने का फैसला किया है। इन सुधारों में इंजन के अचानक से बंद होने से रोकने के लिए एंटी स्टॉलिंग सॉफ्टवेयर लगाना शामिल है। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन प्राधिकरणों से कहा है कि डिजाइन में इन बदलावों को अप्रैल से पहले पहले हर हाल में करना होगा। हालांकि अमेरिका ने अभी तक बोइंग के विमानों के परिचालन पर रोक नहीं लगाई। इस बीच बोइंग भी बदलावों के हिसाब से अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और चालक दल के सदस्यों के दिशा निर्देशों को अपडेट करने के लिए तैयार है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि अगर सुरक्षा से जुड़ी कोई खामी मिलती है तो वे उस पर तत्काल और उचित कार्रवाई करेंगे। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने वैश्विक नागर विमानन नियामकों को सूचित किया कि वो जल्द ही बोइंग के 737 मैक्स 8 से जुड़ी सुरक्षा जानकारियों को साझा कर सकता है। पहली चीज ये कि ग्राउंड करने के बाद जहाज की फंक्शनिंग को देखेंगे, उसकी ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस को देखेंगे, पायलट्स की ट्रेनिंग को देखेंगे, और फिर जब वो रूट काज एक बार इस्टेब्लिश कर लेते हैं, इस बीच में जो अब उनके कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और DFDR जैसे डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर उसकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, तो जो संभावित कारण हैं उन संभावित कारणों को सबको जांचा जाएगा कि इन जहाज़ों में प्रॉब्लम फ्लीट की है या वो इंडिविजुअल जहाज की थी। अगर वो फ्लीट की है तो पहले फ्लीट रेक्टिफिकेशन आपको करना होगा, और अगर खाली इंडिविजुअल जहाज की है तो उसको आप फिर सेफ्टी मेजर करने के बाद उसको रिलीज कर देंगे। 10 फरवरी को हादसे का शिकार हुआ इथियोपिया एयरलाइंस का बोइंग विमान अभी 5 महीने पहले ही आया था। इसी मॉडल का लाइन एयर का एक विमान पिछले साल अक्टूबर में इंडोनेशिया में हादसे का शिकार हो गया था। भारत सिंह देवाकर और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यात्री विमान का इतिहास अपने आप में काफी दिलचस्प है। यकीन मानिए, जब हवाई जहाज का विकास हुआ था तो कुछ सालों के लिए इसे सर्कस के स्टंट की तरह ही देखा जाता था। करीब 5 या 6 साल बाद लोगों ने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया। धीरे धीरे ये विकसित होता हुआ आज के अपने आधुनिकतम रूप तक पहुंच गया, और समय के साथ लगातार इसके तकनीक और सुविधाओं में लगातार विकास होता रहा। बोइंग 737 मैक्स भी अपने आधुनिकतम तकनीक और खासियत के लिए जाना जाता है। आइए जानते हैं बोइंग मैक्स 737 विमानों के बारे में। बोइंग 737 मैक्स अपने आधुनिकतम तकनीक और आरामदायक सुविधाओं के चलते दुनिया के सबसे लोकप्रिय जेट विमानों में शुमार किया जाता है। इसकी तेज गति और नवीनतम तकनीक से लैस शक्तिशाली इंजन LEAP-1B इसे अन्य विमानों से अलग बनाते हैं। इसके साथ ही पर्यावरण के अनुकूल होने के चलते दुनिया भर की एयरलाइंस भी बोइंग 737 मॉडल को काफी पसंद करते हैं। 737 जहाज तो सन 60 से मार्केट में आना शुरू हो गया था। जो डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं उनके लिए इसने एक रिवोल्यूशनरी काम करा। जो मीडियम स्केल ट्रैफिक था, जहां
100-125 पैसेंजर्स का ट्रैफिक था, उसके लिए बोइंग 737 एक वरदान के तौर पे बनकर आया था। मीडियम साइज़ का जेट था, दो इंजन थे, बहुत फ्यूल एफिशिएंट था। उसके बाद से वो नए नए सीरीज उसके लाते रहे। बोइंग कंपनी ने पहली बार 1967 में बोइंग 737 विमान बनाया और साल 1968 में इसने पहली व्यावसायिक उड़ान भरी जो काफी सफल रही। इसके बाद बोइंग 737 दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला वाणिज्यिक विमान बन गया। समय के साथ साथ बोइंग विमान के रूप में बदलाव होता रहा और साल 2016 में बोइंग 737 की चौथी पीढ़ी का विमान, जिसे बोइंग 737 मैक्स के रूप में जाना जाता है, का निर्माण हुआ। साल 2017 में बोइंग 737 मैक्स ने अपनी पहली वाणिज्यिक उड़ान शुरुआत की, जब इंडोनेशिया का लायन एयर इसका पहला ऑपरेटर बना। बोइंग मैक्स में एवियोनिक्स बढ़ाए जाते हैं, डिजाइन में थोड़ा सा चेंज लाया गया है। सबसे ज़्यादा तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है डिज़ाइनर्स का, कि जो ऑपरेटर हैं खुश हों इस विमान से, काफ़ी तादाद में इसको ऑर्डर करें। बोइंग 737 मैक्स की कुछ खासियत इसे अन्य विमानों से अलग बनाता है। अगर इसके इंजन की बात करें तो वो अन्य विमानों से लगने वाले इंजन से बड़ा होने के साथ ही स्वचालित भी है। ये 6,570 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। दरअसल बोइंग 737 मैक्स का निर्माण यूरोप के एयरबस A320neo को टक्कर देने के लिए किया गया था। इंडोनेशियाई एयरलाइन लायन एयर दुर्घटना के बाद ये पता चला कि 737 मैक्स में एक ऐसा ऑपरेटर लगा है जो खास परिस्थितियों में इसे रोकने को मजबूर करता है, लेकिन कई पायलट इस सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं। अब देखेंगे बोइंग 777ER एक्सटेंडेड रेंज, ये सिर्फ लंबाई दूरी की उड़ान भरता है। बोइंग 737 जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कम दूरी की उड़ान भरता है। इसीलिए इसका जो कम दूरी में इसके ड्रैग कम रहता है, इसकी उड़ान ठीक रहती है, ईंधन कम खर्चा होता है, तो अलग अलग ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेटेस्ट जनरेशन का जहाज है, इसमें सेफ्टी के बहुत फीचर्स हैं। सेफ्टी के अलावा इसकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है दूसरे जहाज़ों से करीब 13% बेहतर है, और हर जहाज़ जो नया आता है उसमें नए फीचर्स होते हैं। उसकी स्पीड तो जनरली आजकल बराबर सी रहती है, थोड़ा बढ़ती है, पर ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो मेन क्राइटेरिया है और नंबर ऑफ सीट्स का। बोइंग 737 मैक्स के चार मॉडल हैं। इनमें 737 मैक्स 7, 737 मैक्स 8, 737 मैक्स 9 और 737 मैक्स 10 शामिल हैं। इन विमानों में उनके वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग सुविधाएं दी गई हैं। सभी बोइंग 737 मैक्स सीरीज के विमानों में LEAP-1B इंजन लगा हुआ है। बोइंग 737 मॉडल के दुनिया भर में 10,000 प्लेन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वही एयरबस के A320 मॉडल के 8,000 से ज्यादा विमान इस्तेमाल हो रहे हैं। अपने निर्माण के बाद से बोइंग 737 मैक्स दुनिया का सबसे तेज गति से बिकने वाला एयरप्लेन बन गया। बोइंग का 737 मैक्स 8 सबसे ज्यादा बिकने वाला पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। कंपनी ने 2017 में इसे लॉन्च किया। अभी दुनिया भर में 300 से ज्यादा मैक्स 8 मॉडल के विमान ऑपरेशनल हैं। बोइंग कंपनी के पास वर्तमान में दुनिया भर के 100 से ज्यादा एयरलाइंसों के करीब 5,000 से ज्यादा बोइंग मैक्स विमानों के ऑर्डर हैं। दरअसल बोइंग कंपनी अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो हवाई जहाज, रोटरक्राफ्ट, रॉकेट उपग्रह और मिसाइल बनाती है और इसे पूरी दुनिया में बेचती है। बोइंग की स्थापना साल 1916 में हुई थी। बोइंग एयरक्राफ्ट बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में तमाम तरक्की के बावजूद हवाई उड़ानों को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं बनाया जा सका है। हाल के सालों में हजारों लोगों ने विमान हादसों में अपनी जान गंवाई है। हालांकि इनमें कई हादसों की वजह मानवीय भूल और अन्य घटनाएं भी रही हैं, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से होने वाली दुर्घटनाएं भी नहीं रुक पा रही हैं। चलते चलते छोड़े जा रहे हैं आपको विमान हादसों के इतिहास के साथ। विशेष में इतना ही, नमस्कार।
16 नवंबर 1909 को जर्मनी से फ्रैंकफर्ट शहर में दुनिया की पहली कमर्शियल एयरलाइन कंपनी डॉयचे लुफ्टहाफ्ट ऑक्सियन गेसेलशाफ्ट यानी डिलैक की स्थापना हुई। इसके बाद से नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में दुनिया ने काफी तरक्की की है। यात्री विमान बड़े से बड़े होते गए हैं, सफर आरामदायक हुआ है, तकनीक ने लंबी उड़ान संभव की है, तो मानव ने भी बिना रुके लंबे सफर तय करने के लिए नए नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। रोजाना करीब 80 लाख लोग हवाई सफर करते हैं। एक साल में विमानों पर 4 अरब से अधिक यात्री सफर करते हैं। हालांकि विमानों को सुरक्षित बनाने की हर संभव कोशिश भी की गई है, लेकिन हवाई यात्रा के जोखिम खत्म नहीं हुए हैं। लगातार विमान हादसे नागरिक उड्डयन के शानदार इतिहास में काले पन्ने जोड़ते जा रहे हैं। साल 2018 में दुनिया भर में करीब 6 बड़े विमान हादसे हुए, जिनमें 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इनमें दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे बोइंग विमान सबसे ज्यादा हादसे के शिकार हुए। अक्टूबर 2018 में इंडोनेशिया के लायन एयर का विमान जकार्ता से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ही क्रैश हो गया। इस हादसे में प्लेन के क्रू मेंबर समेत कुल 189 लोगों की मौत हो गई। ये विमान बोइंग 737 मैक्स 8 था। इसी तरह मई 2018 में क्यूबा की राजधानी हवाना में भी बोइंग 737 विमान के क्रैश होने पर 112 लोगों की मौत हो गई। बोइंग 737 मैक्स विमान के क्रैश होने की ताजा घटना इथियोपियन एयरलाइंस से जुड़ी है। अदिस अबाबा में बोइंग 737 सीरीज के मैक्स 8 से 157 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। विमान जब तक उड़ान भरेंगे, कोई न कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त कभी न कभी हो जाएगा, इसके लिए तैयार होना चाहिए हमें। मगर अगर दो विमान, अभी जो लायन एयर इंडोनेशिया में हुआ है और एतवार को जो अदिस अबाबा में 737 मैक्स ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो जांच करनी है। और उससे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो कंपनी का है, बोइंग का है, क्योंकि बोइंग अगर ये इस तरीके से विमान खरीदे नहीं गए तो उनका जो बिजनेस मॉडल है वो असफल रहेगा, और उसके लिए बहुत ही ये गंभीर स्थिति है कंपनी के लिए। इसी तरह 2016 में दुनिया भर में कुल 16 कमर्शियल विमान हादसों का शिकार हुए। इनमें सबसे बड़ा हादसा 28 नवंबर 2016 को लैटिन अमेरिका के देश कोलंबिया में हुआ। इस विमान हादसे में 76 लोग मारे गए। विमान में 72 मुसाफिर और चालक दल के 9 सदस्य सवार थे। हादसे में ब्राजील की एक फुटबॉल टीम चापेकॉन से क्लब के 19 खिलाड़ियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे पहले 19 मई को इजिप्ट एयर का विमान एयरबेस A320 उत्तरी भूमध्य सागर के ऊपर हादसे का शिकार हुआ। इस दुर्घटना में क्रू के 10 सदस्यों समेत विमान में सवार सभी 56 यात्री मारे गए। वहीं 2015 में दुनिया भर में कुल 13 कमर्शियल विमान छोटे बड़े हादसों का शिकार हुए। 2015 का सबसे बड़ा हादसा फ्रांस में हुआ। 14 मार्च 2015 को जर्मन एयरलाइंस जर्मन विंग्स का एक विमान बार्सिलोना के डुसेलडॉर्फ जाते हुए फ्रांस में आल्प की पहाड़ियों में क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 150 लोगों की मौत हो गई। आरोप लगाया गया कि इस विमान के को पायलट ने जानबूझकर विमान को क्रैश किया। 31 अक्टूबर 2015 को मिस्र के सिनाई इलाके में रूसी विमान मेट्रोजेट 9268 हादसे का शिकार हुआ। शर्म अल शेख हवाई अड्डे से उड़ान भरने के 23 मिनट बाद विमान में धमाका हुआ और इसमें सवार सभी 224 लोग मारे गए। विमान हादसे की वजह आतंकी हमला बताई गई। 2014 को आधुनिक विमानन इतिहास के लिए बेहद बुरे साल में गिना जाता है। इस साल दुनिया भर में 8 कमर्शियल विमान हादसों का शिकार हुए। 24 जुलाई 2014 को एयर अल्जेरी की उड़ान संख्या 5017 बुर्किना फासो की राजधानी ओगादोगू से अल्जीयर्स के लिए रवाना हुआ, लेकिन 50 मिनट बाद रडार से गायब हो गया। इसमें 116 लोग सवार थे। 23 जुलाई 2014 को ट्रांसएशिया एयरवेज की फ्लाइट 222 ताइवान के पेंगहू द्वीप में उतरने से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
तूफान की वजह से विमान एक इमारत से जा टकराया और इसमें सवार 48 लोग मारे गए। 17 जुलाई 2014 को एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहे मलेशियाई एयरलाइन का प्लेन MH17 यूक्रेन के ऊपर मार गिराया गया। इसमें सवार सभी 298 यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस का विमान MH370 लापता हो गया। इस विमान में 239 लोग सवार थे। ये एक तरह की खुशी की बात है कि हमारे यहाँ दुर्घटनाग्रस्त ज़्यादा विमान नहीं हुए ही नहीं हैं। तो इसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे रेगुलेटर को, हमारे ऑपरेटर्स को, हमारे पायलट्स और इंजीनियर्स जो विमान संभालते हैं और उड़ान भरते हैं उनमें। तमाम आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं से लैस होने के बावजूद विमान हादसे रुक नहीं रहे हैं और इसमें लाखों निर्दोष यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।